उधम सिंह नगर में नशे के खिलाफ पुलिस की ओर से चलाए जा रहे अभियान में खटीमा पुलिस को एक बार फिर बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने रोडवेज के पास से चेकिंग के दौरान एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस को युवक की तलाशी लेने पर उसके पास से भारी मात्रा में चरस बरामद हुई है। पुलिस का कहना है कि पूछताछ में चरस तस्करों ने नेपाल से चरस लाकर खटीमा में बेचने की बात कबूली है। फिलहाल आरोपी युवक के खिलाफ NDPS के तहत मुकदमा दर्ज कर उसे न्यायालय पेश कर रही है। देखिए, ये खटीमा पुलिस द्वारा जो है लगातार नशे के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है और इसमें कल भी चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति के पास, जिसने अपना नाम पता इस्लामुद्दीन निवासी वार्ड नंबर 5 इस्लाम नगर का होना बताया, उसके पास से करीब 1 किलो 300 ग्राम चरस बरामद हुई और उसके खिलाफ जो है NDPS के तहत मुकदमा पंजीकृत कर आज न्यायालय में पेश किया जा रहा है। हर खबर में होगी हमारी नजर। खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।